दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल बाय डब्ल्यू एम टी पी ए यानी कि वेस्टर्न महाराष्ट्र ट्रैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन इससे रिलेटेड काफ़ी सारे ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं प्रोफेशनल्स के द्वारा और मैं भी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं क्यों बोल रही हूँ तो दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट है ये होने वाला है ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना इसमें बताया गया है इन रिसेंट पास्ट ऑल द प्रोफेशनल एंड ट्रेड इज सफरिंग अ लो ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लो कॉम्प्लेक्स पोर्टल अनस्टेबल जी एस टी एंड फोर्स टू वर्क ऑन संडे एज वेल तो हम सभी के साथ ये हो रहा है लो के अंदर फ्रिक्वेंटली काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जाते हैं रातों रात आप नोटिफिकेशंस लेकर के आ जाते हैं पोर्टल आपका इतना कॉम्प्लेक्स है लिसनिंग गवर्नमेंट इज़ नाइर लिसनिंग टू द रिप्रेजेंटेशन सबमिट बाई वेरियस एसोसिएशन नोर लिसनिंग टू द कोर्ट डायरेक्शन इन टू ट्रू स्पीरिट तो गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है ना तो वो हमारी या प्रोफेशनल्स की बड़े बड़े एसोसिएशन की जो रिप्रेजेंटेशंस है उनको सुन रही है ना ही जो कोर्ट के डिसीजन है उनको ट्रू स्पिरिट में सुन पा रही है in covid 19 pandemic all the professionals and trade ignoring life and death risk ensured that india will stand again pay taxes in lakh crore but it seems government doesn't recognize us therefore this is the high time we should come together and stand united and come on to the street to protest against तो यहाँ पर आपसे मांग की गई है कि अभी समय है आप यहाँ पर नीचे देख भी रहे हैं इनकी जो tagline है हिंदी में लिखी गई है अभी नहीं तो कभी नहीं हमारा हमारे हक के लिए रास्ते पर उतरना होगा यानी कि दिस इज़ द हाई टाइम हमें एकजुट होकर हमें रास्ते पे उतरना होगा और प्रोटेस्ट करना होगा किस चीज़ के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करना होगा रिजिड अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट प्रोफेशनल एंड ट्रेड अनस्टेबल जीएसटी एस डिनाइल ऑफ आईटीसी जो आईटीसी के लिए हमारी मांग थी नो रिवीजन ऑफ जीएसटी रिटर्न अलाउड अभी तक भी जीएसटी रिटर्न को रिवाइज करने का ऑप्शन आप नहीं लेकर के आए हैं मिडनाइट रेन ऑफ नोटिफिकेशन कभी भी आधी रात को आप नोटिफिकेशन ला कर के लोग को चेंज कर देते हैं एक्सेसिव पावर आपने दे दी है अथॉरिटीज़ को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की साथ ही हमारा जो आईटीसी है उसको ब्लॉक करने की तो ये हमारे साथ एक तरह की हरैशमेंट हो रही है फेल्ड जीएसटी एस पोर्टल हैविंग न्यूमरस इश्यूज आप डेडलाइन तो सेट कर देते हैं कि इस तारीख तक आप भर लीजिए या एक्सटेंशन हमें आप अकॉर्डिंगली देते हैं लेकिन आपके पोर्टल के जो इशूज़ हैं उन्हें आप नहीं देख रहे हैं इनकम टैक्स यूटिलिटीज़ मेड अवेलेबल ऑन टाइम एंड चेंज फ्रिक्वेंटली एक्सटेंशन ऑफ सी एफ एस एस यानि कि फ्रेश स्टार्ट स्कीम जो हमारी आने वाली थी उसके लिए तो यहाँ पे सभी रिक्वेस्ट ऑल द ट्रेड बॉडीज़ टू कम फॉरवर्ड यहाँ पे सभी एसोसिएशन को ट्रेड बॉडीज़ को प्रोफेशनल को सी एस को एडवोकेट्स को सभी को यहाँ पे आप देख पाएंगे सी ए सी एम में सभी को यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है टू कम फॉरवर्ड जॉइन द ऑल इंडिया प्रोटेस्ट कॉल बाय जो कि ये हमारी महाराष्ट्र टेक्सप्रेक्टेशनर एसोसिएशन के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है अगेंस्ट द रिजिट अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट तो प्रोटेस्ट आपको कहाँ करना है यू हैव टू डू प्रोटेस्ट आउटसाइड योर रीजनल सी जी एस टी ऑफिस ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जनवरी ऑन द इवनिंग ऑफ महात्मा गांधी पुण्य स्मृति दिन तो ये उन्होंने एक मैसेज दिया है और सभी प्रोफेशनल्स के लिए है सभी यहाँ पे ट्रेड बॉडीज़ के लिए भी है प्रोफेशनल एसोसिएशन के लिए है आप कंसल्टेंट हो आप सी हो आप सी एम हो आप सी हो आप एडवोकेट्स हो सभी के लिए ये मैसेज दिया गया है कि आप सभी को प्रोटेस्ट करना है ट्विटर पर भी ये काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है ये मैसेज तो आप सभी को भी ये स्प्रेड करना है ट्विटर पर और अब हमें ये प्रोटेस्ट करना ही होगा अदरवाइज़ गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती रहेगी जैसा कि इसमें लिखा गया है ना ही तो वो हाई कोर्ट की सुन रही है ना ही वो हमारी रिप्रेजेंटेशंस की सुन रही है तो अब आखिरी रास्ता हमारे पास यही बचा